ऐसा हुआ, रात को मैं 12 बजे गाड़ी लेके अंदर आ रहा था, मैंने इनको आवाज़ ना मार के दरवाज़ा खटखटा दिया, तो इनके शब्द थे कि क्यों खड़े हो, माल ख़त्म हो गया है, माल ख़त्म हो गया हमारे यहाँ, तुम जाओ। मैंने कहा भैया मैं गाड़ी हटाने अंदर करने आया हूँ, मैं माल वाल लेने नहीं आया हूँ। क्या माल बेचते हैं? ये वही अफीम, गरज, चरस, गांजा, वो इसमें यही माल बेचते हैं, और क्या बेचते हैं। परेशान है पूरी गली वाले इनसे, ये गए तो बहुत सालों से रहे, पर इन्हों के 3-4 साल 2-3 साल से ये धंधा कर रहे हैं। अरे परेशान है, ये चैन वैन, ये स्मैक, चर्सी वर्सी सारे यहीं घूमते हैं यार, इन्हीं की वजह से ही दिक्कत हो रही है। ये जितनी भी चोरी चकारी हो रही है ना, चर्सियों की वजह से ही हो रही है यार। वही चर्सी, वो नशेड़ी, गंजेड़ी, सारे रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक लाइन लगा के खड़े रहते हैं इनके गेट के बाहर, और ये इनसे बहुत दिक्कत हो रही है। ये गली में चोरी वो रही है, हो रही है, ये चैने छीनी जा रही है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। इनकी लड़की की वेडिंग है, जब मेरा भाई आ जाएगा ना, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, मुंह पीटेगा सबके। अरे तुम मार रहे हो, देखो तुम स्मैकिंग के जानकार है। कुछ करो, पहली बार का दुख है, इसमें एक बिकनी बंद हो गई, इस बार का दुख है। अरे आपस में झगड़ा मत करवा दो, आपस में मत करवा दो। ले लिया, रहता है
हाँ जी, क्या काम? सोशल वर्क क्या करते हैं आप? सोशल वर्क में ये लोगों का आरोप है कि आपके यहाँ से चरस समय को वगैरह देखते हैं, ये कहते हैं लोग नशे का आपके ये तो मोदी। क्या काम करते हैं आप लोग? सोशल वर्क में क्या करते हैं? तो आप ये लोगों का आरोप है कि आप लोग के घर असामाजिक तत्व आते हैं, चरस गांजा आप लोग बेचते हैं। दस मुंह है जहाँ मैं अकेली हूँ, मैं देखो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इनके घर में जो चोरी हुआ ना, मैं बता दूँ। आपने तो चैलेंज करके बोल दिया, पुलिस वालों पैसे देते हैं। नहीं, जो इनके घर में जो आने जाने वाले चोरी किया है, क्योंकि जो जानता है 1,00,000 रुपया अलमारी में रखी है, जिनके पास गोली है, वो चोरी किया। तो आप लोग ये आप वो चार लड़के तो आपके नहीं आने में, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। लेकिन ये दुकान है, चार दुकान। आप गांजा चरस बेचते नहीं बेचते? मेरा नाम कुमुद कुमार सिंह है। कुमुद जी, कल यहाँ पर हंगामा हुआ था, क्या वजह थी हंगामा? हंगामा की वजह ये थी कि यहाँ पे आजकल चैन स्नैचिंग चोरियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसके पीछे कॉलोनी ने 2-4 लोगों को पकड़ा था, पुलिस के हवाले भी किया, मगर पुलिस ने ये करा 2 घंटे बाद थाने में ले जाके उन्हें छोड़ दिया। कल भी ऐसा हुआ है, कल भी हमने एक पकड़ा और उसको फिर हमने बाइक पे यहाँ घूमते देखा, उससे जब पूछताछ करी तो कह रहा जी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद पुलिस को फिर हमने बुलाया, पुलिस का घेराव भी किया, पुलिस ने आश्वासन दिया है हमें कि हम इसके कार्रवाई करेंगे, मगर उसके बाद भी कोई हमें लगता नहीं है कि कुछ करेगी पुलिस। क्या वजह है पुलिस नहीं करती है कार्रवाई? पुलिस की मिली भगत है, लोग जिनसे उनका साठ गांठ है, जहाँ से वो काम चल रहा है उनका, वो खुलेआम कहते हैं कि हम पुलिस को पैसा देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो अपना गलत काम जैसे स्मैक वगैरह, चरस वगैरह, सासी का काम है उनका, खुलेआम बेचते हैं। बिल्कुल आते हैं।
अनिता। अनिता जी क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्यों भीड़ इकट्ठी है? यहाँ पे भाई सब कुछ हो रहा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कुछ हो रहा है यहाँ? देखो रात दिन चोरी हो रही, किसी का मोबाइल चोरी, किसी का सिर चांदी चोरी, किसी का घर लूट रहा है। हम कब से पुलिस वालों को 3 महीने से तो हर बार उनको बुला रहे हैं, वो आते हैं जाते हैं, बस कोई सुनाई नहीं दे रही उनको। कल भी इतना हमने कितना तोड़ फोड़ करवाए पर उनको कोई आवाज ही नहीं है। तो पुलिस नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही पुलिस। तो आप लोग पुलिस के पास जाते हैं तो क्या कहती है पुलिस? वो हमें बाहर खड़ा कर देते, अंदर जाने ही नहीं देते। अंदर जाने देते अभी तो कार्रवाई हो ना, वो एक्शन उठाते, उल्टा सीधा बोलने लग जाते वहाँ जाके। महिला के साथ चैन स्नैचिंग हुई थी, घर में चोरी हुई है, पुलिस आती है, कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं करा पुलिस ने, चार दिन हो गए थी। आप सब लोग चक्कर काट रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं सब। रात में भीड़ जमा थी, पुलिस आई थी, क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ, यहाँ से चले गए, बोला छोड़ो 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 छोड़ो, यहाँ से सब चले गए। यहाँ रोडों में सबको ला रहे हैं, पकड़ के उनके हवाला कर रहे हैं, फिर भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ से ले जा रहे हैं, आधा रास्ते में छोड़ दे रहे। कैसी इस कॉलोनी की सुधार होगी? ऐसे में तो एक एक बंदा मारा जाएगा, घर लूटे जाएंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पुलिया में एक पुलिस चौकी चाहिए जो हमारी कार्रवाई इसमें आगे बढ़े, और हमारी लेडीज और जितने लड़कियां हैं बच्चे हैं उनके लिए रास्ता अच्छा हो जाए। हमें ये चीज चाहिए यहाँ। हम लोग उनको पकड़ के दे रहे हैं, वो यहाँ से ले जा रहे हैं। एक नहीं करीब 4 या 5 लड़के हमने उनको दे दिए। वो कहते हैं आप पुलिस के मुंह पे कह रहे हैं कि पुलिस को पैसे दे। ये डेली का काम हो गया है, अगर डेली कोई ना कोई स्मैक लेने आ रहा है जो बेचते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपना खुला घूम रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं अगर उनसे कुछ बोला जाए तो वो कहते हैं कि हम पुलिस को हमारा पैसा दे रहा है, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल पुलिस वालों की मिली बात लग रही है, पुलिस वालों के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये जब तक ये पुलिस का वो नहीं है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इसका आए दिन है कभी मोबाइल चोरी हो रहे, हम लोग अब इतना सेफ नहीं हो गए कि हम लोग ये अपना फोन पे बात कर रहे हैं तो रोड पे हम अपने फोन करके बात नहीं कर सकते। अपने फोन से घर खाली छोड़ सकते हैं? हमारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन है तो क्या है? कुछ भी उसके बावजूद यह हाल है कि जिसके जो बेचता है उस पर कंप्लेंट करता है उसके लिए बोलते हैं तो उनके भाई में धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। ये लेडीज खड़ी है, उनकी माता जी तो ये दीदी देखती तो मेरे को बचा लेती है। दीदी मेरे बच्चों को हमेशा देखभाल करती रहती है। 3 दिन हो गया सामान तोड़ दिया है इसका। ₹5 उठा वो भी ले लेगा। कमेटी लगा दिया, लगा दिया, तुम मेहनत करो। दिल्ली पुलिस आ जाओ जी। मेरा नाम नूतन गुप्ता है। खड़े होने में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्यों इतने वारदातें बढ़ रही हैं? ये वारदातें से कि यहाँ पर जी
अभी काफी दिनों से चैन वगैरह चोरी करी जा रही है, बहुत गंदे लड़के इधर आते हैं, और कल बाइक भी पकड़ी गई, पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया यहाँ पर, और डेढ़ महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं बहुत, और क्या कहते हैं मोबाइल चोरी हुए 8-10, और हम यहाँ पर यहाँ तक कि स्मैकी चरसी चरस गांजे तक का भी यहाँ पे काम चल रहा है। पुलिस वाले नहीं आते, क्या वजह है वो पुलिस वालों को करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जनता परेशान हो रही है, सिक्योरिटी के लिए तो रखा है हमारे, और सही बात है हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है उनको यहाँ पर। इनके चोरी हुई कल 2 लाख, 2 लाख रुपए की चोरी हमारी ये मैडम है, इनके कल 2 लाख रुपए की चोरी हुई है शनिवार को। चौहान है, क्या कुछ हुआ था उसने? ऐसा हुआ रात को मैं 12 बजे गाड़ी लेके अंदर आ रहा था, मैंने इनको आवाज ना मार के दरवाजा खटखटा दिया, तो इनके शब्द थे कि क्यों खड़े हो, माल खत्म हो गया है, माल खत्म हो गया हमारे यहाँ, तुम जाओ। मैंने कहा भैया मैं गाड़ी हटाने अंदर करने आया हूँ, मैं माल वाल लेने नहीं आया हूँ। क्या माल बेचते हैं? ये वही अफीम गरज चरस गांजा वो इसमें यही माल बेचते हैं, और क्या बेचते हैं, परेशान है पूरी गली वाले इनसे। ये रहे तो बहुत सालों से रहे, पर इन्हों के 3-4 साल 2-3 साल से ये धंधा कर रहे हैं, और परेशान है ये चैन वैन ये स्मैक चर्सी वर्सी सारे यहीं घूमते हैं यार, इन्हीं की वजह से ही दिक्कत हो रही है, ये जितनी भी चोरी चकारी हो रही है जानना चर्सियों की वजह से ही हो रही है। यार वही चर्सी वो नशेड़ी गंजेड़ी सारे रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक लाइन लगा के खड़े रहते हैं इनके गेट के बाहर, और ये इनसे बहुत दिक्कत हो रही है, ये गली में चोरी हो रही है ये चैने छीनी जा रही है इन्हीं की वजह से हो रहा है। समस्या ये है सर, हमारी बहू कपड़े के दुकान बढ़ा रही थी, बाइक से वो लड़का गया है, देख कर के आया है, एक लड़का यहाँ खड़ा मिला, एक लड़का मतलब बाजार में खड़ा मिला, दोनों लड़का मिली जुली था, बच्चे हमारा फोन किया, दोनों बच्चे घर में सो रहा है, दोनों बच्चे सोने के बल जो भी बच्चा फोन किया जब मम्मी पापा घर में कोई सामान गिराए आ जाओ, तो ये लोग बोला सामान बढ़ाते हैं तो जाएंगे, इतनी चोरी होने के बल जो भी पुलिस वाले इतनी चोरी होने के पल जो भी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहा तो इस कानून का क्या किया जाएगा? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो थाने का घेराव है, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा तो थाने के घेराव होगा। इतना चोरी होते हैं हमारे बाजार के आरोप लगा रहे हैं, ये चोरी के क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं, नशे मुक्त के क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं? सर नशे मुक्त क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं, दारू ठीका क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? गांजा चर्स बिकना चाहिए, गांजा चर्स बिकना चाहिए, ये क्यों बिकेगा? मेरा नाम कविता है। हाँ कविता, आपके घर में कब चोरी हुई, कितनी की चोरी, और आप जब आए घर किस हालत में आपको घर मिला? घर में आई तो सर घर के गेट खुला हुआ था, अब मैं बाजार में थी ना तो वहाँ पे मैं माल मोड़ रही थी, एक बंदा आया लड़का बैग टांगने, वहाँ पे घंटों खड़ा हो रखा है, कभी निगरानी नहीं करा मेरे, इतने साल से बजा रहा हूँ कभी कोई पीछा नहीं करा, कोई निगरानी करा, जैसे आया मैं सोचा मेरे बच्चे ना यहाँ पे आंटी बगल वाली पड़ोसी से ताला खुलवा के बच्चे साथ गेट खुलवाए हुए आए, एक पल्ला बंद था एक पल्ला खुला हुआ था, और जैसे मैं गई मैंने देखा मेरे बच्चे सब बच्चे सोए हुए थे, बच्चे मेरे सोए हुए थे, और उसके बाद देखा मैं गई घर देखने के लिए तो घर में अनबारी खुली पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, वो बैग जो सब सामान डॉक्यूमेंट्स पैसा वैसा रख रखा था सब गायब था वहाँ से, नहीं बिखरा हुआ नहीं था, कोई सामान में हाथ नहीं लगाए सर, सारे सामान सिर्फ बैग उठाया सिर्फ, हाँ नहीं पता मुझे क्या पता सर उसको क्या जानकारी था ना कि पैसे कहाँ रखा, अब मुझे नहीं पता दीदी, उसको बैग पर निगाह था तभी तो हमारा नहीं पता। पुलिस कंप्लेंट 100 नंबर में फोन करी, 100 नंबर वाले आए, मैंने कहा गली मोहल्ला में चेकअप कराओ, घर 2 गेट खुले हुए थे, मैंने कहा एक इनके गेट खुले, एक दीदी अपने लड़कों को फोन कर रहे थे सुबह उठ के रात में ही, उनको बच्चे लेट आते शादी में गए थे, और वो फिर मैं देखी मैं तो चौक गई, मैं देखी उसको वहाँ पर मेरा कुतरे हम बाबा मैं दीदी लूट गई, मेरा सब सामान बर्बाद हो गया, मैं कर्जे से पैसे लाए थे, कमेटी उठा के पैसे लाई थी,
आ वो बस कहा कि थाना चलो लिख लिए क्या चोरी हुआ देख लिया आ वो चला गए थाना बुलाए थाना में कोई मेरे पति का कुछ नहीं लिखा घंटों बैठा के रखा मेरे पति हार मार के वहाँ से चले आए सर। अब क्या कर मेरे पति के तुमने मेरे पति के तुम्हारे पति रिपोर्ट नहीं लिखाया मेरे को कुछ समझ रहेगा तभी सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई नहीं सपोर्ट करा ना गली में छानबीन करा ना कुछ ना निगरानी करा हम रात में अकेले चिचियाते रहे लड़ते रहे फिर बोलते रहे कोई नहीं मुझे कुछ हेल्प नहीं किया सर। अरुण क्या कुछ आपके यहाँ चोरी कब हुई है कितने की चोरी हुई है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हमारे यहाँ चोरी हो गई है हजार लगाते हैं हम 1.5 लाख रुपए कैश की कुछ गोल्ड है पुलिस की रिपोर्ट लिखवाई तो उन्हें पेंडिंग में रखा हुआ है 3-4 दिन हो गए चक्कर काटते हुए खरे आज नहीं कल सुनवाई हो जाएगी आपकी। क्यों नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई? अब ये तो सर उनको ही मालूम है तो इलाके में पहले भी ऐसी वारदातें होती रही हैं होती कई बार होती रही है तो क्या कोई चोर वगैरह पहचान में आए जिन्होंने चोरी किया कुछ सीसीटीवी वगैरह हो? नहीं सर हमारा कुछ पता नहीं है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आप लोग जाते हैं थाने क्या कहते हैं पुलिस? कहते हो जाए कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक FIR दर्ज नहीं किया पुलिस नहीं पेंडिंग में रखा हुआ है कुछ वजह बताइए क्यों रखा पेंडिंग में कह रहे भाई आज करेंगे आज बुलाया था जा रहे हुए